हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज जो है पहले न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जाहिर है नाम से ही स्पष्ट है कि न्यूक्लियस के इनसाइड का फोर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है चार्ज के वजह से एक दूसरे को रिपेल करता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसके पास चार्ज होता नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन मौजूद होता है, एक से ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद होता है, न्यूट्रॉन मौजूद होता है। आखिर जो है प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर देता और इस तरह से न्यूक्लियस ख़त्म क्यों नहीं हो जाता? तो बहुत दिनों तक तो इसके बारे में हम लोगों के पास बहुत नॉलेज नहीं था। बाद में एक्सपेरिमेंट का एक सीरीज किया गया लगभग 1930 से लेकर 1950 तक, और उसके आधार पे बहुत सारे कंक्लूजन निकाले गए। पहले तो आप ये जाने, अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो सही बात तो ये है कि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो गैप है ना, अगर बहुत कम कर दिया जाए, फेम्टोमीटर या फर्मी भी बोलते हैं, अगर उसके लगभग कर दिया जाए, तब प्रोटॉन प्रोटॉन में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एपियर हो जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एपियर होता है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन वो गैप बहुत कम होना चाहिए, फर्मी मीटर में होना चाहिए। और वही फोर्स जो है ना न्यूक्लियस को बांध करके रखता है। यानी प्रोटॉन रिपल्सन के कारण दूर भी जाना चाहता है तो न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि सबको बाइंड करके रखे हुए रहता है। इसलिए देखिए इसको डिफाइन किया गया है, द न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस टूगेदर। दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस फोर्स होल्ड्स द न्यूक्लियस, यही फोर्स न्यूक्लियस को होल्ड कराता है। अब जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ कंक्लूजन निकाला गया। पहले तो ये जानेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है, इसको हम लोग फंडामेंटल फोर्स में शामिल करते हैं, और ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे दो प्रोटॉन के बीच के गैप को या दो न्यूट्रॉन के बीच के गैप को थोड़ा बहुत भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, 2.5 फर्मी से भी ज़्यादा कर देंगे, तो फोर्स निग्लिजिबल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो देखो जैसे यहाँ लिखे हैं, वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट ड्यूरिंग 1930 टू 1950। कंक्लूजन क्या निकाला गया? पहले न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। देखो सेकेंड कंक्लूजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेज। यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। यानी अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम रखे हुए हैं वेरी क्लोज प्रोटॉन प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, तो उसके बीच जो फोर्स लगता है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। देखो इसीलिए लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या सीखे, बोले कि न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। ये फंडामेंटल फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये बहुत बड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू कूलम्ब फोर्स, और साथ में हम लोग पढ़े कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से
पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ दिया रहेगा उसके हेल्प से इस फोर्स को और अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि हम लोग जनरली ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये सही बात नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है वो रिपल्सिव फोर्स भी हो जाता है। तो चलिए उसका चर्चा करेंगे, पहले आप इसको लिख आइए। अब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से सीखते हैं। थोड़ा याद कीजिए, आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ते थे कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम वन इंटू एम टू बाई आर। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। अब देखो न्यूक्लियॉन्स के साथ क्या होता है, जैसे समझो दो प्रोटॉन है या दो न्यूट्रॉन है या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, उसको आप नज़दीक ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, मान लो दो प्रोटॉन को ही ला रहे हैं। जैसे ही सेपरेशन, समझो 2.5 फेमटोमीटर या फर्मी से कम होने लगता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते गए ना, लगभग 2 से 3 फेमटोमीटर गए तो वो फोर्स गायब हो जाता है। मतलब कि 2-3 फेमटोमीटर से घटाते 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 मान लो 1 फेमटोमीटर तक आए, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? निगेटिव है। अब चलो जब हम लोग देखते क्या हैं, जैसे यहाँ देखो ग्राफ में, इस ग्राफ में दिखाया हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। देखो इधर R दिखाया गया है फेमटोमीटर में और इधर पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये निगेटिव है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बता रहा। तो R जितना ही कम होगा, देख लो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में है, निगेटिव में है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जब 0.8 फेमटोमीटर बीच का सेपरेशन हो जाता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जब सेपरेशन को घटा करके लगभग 0.8 फेमटोमीटर कर देते हैं तब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर उसको कम करना आप चाहेंगे तो अब वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रह जाता, वो रिपल्सिव फोर्स है। जैसे समझो कि दो टो फुटबॉल है और एक दूसरे के कांटेक्ट में अब ला दिए, अब दबाएंगे तो समझो एक दूसरे को दोनों पुश कर रहा है, यानी अब वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहा, वो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो इस ग्राफ में इनडायरेक्टली यही बतलाया गया है कि 0.8 फेमटोमीटर से अगर सेपरेशन को बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। बोलोगे कि बढ़ते जा रहा कि घटते जा रहा, नहीं निगेटिव है ना, निगेटिव में जितना ही कम होगा, देखो यहाँ सबसे कम है और यहाँ जाते जाते समझो जीरो हो गया, यानी 3 फेमटोमीटर होते होते पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, मतलब समझो जो वेल सेपरेटेड हो गया, अब कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहा। ऐसे भी सोचो ना, थोड़ा याद करो, दो ठो मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो नज़दीक आने में पोटेंशियल एनर्जी घटता है और दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है और दूर जितना ही लेकर के जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 क्या हो गया? जीरो हो, और यहाँ जो है लोएस्ट वैल्यू पर, क्योंकि निगेटिव वैल्यू ना गेन किए हुए हैं, ठीक। और जब 0.8 फेमटोमीटर से कम करते हैं तब ये न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव हो जाता है और तब पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। एक चीज़ और हम लोग बोल सकते हैं कि जब फोर्स को बढ़ाते हैं, देखो ये ग्राफ जो है ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के ग्राफ जैसा होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स का इक्वेशन 0.8 फेमटोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो, वो डिस्टेंस को बढ़ाते जाएँ और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 2 से 3 फेमटोमीटर यानी 2.5 ही फेमटोमीटर में वो फोर्स गायब हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहा गया है, जल्दी ये फोर्स ख़त्म हो जाता है।
तो बोलेंगे क्या कि जब आप 0.8 फेमटोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी आया और ग्राफ का जो एनालिसिस है उसके आधार पे जो लिखा गया है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, अब न्यूक्लियॉन समझ ही रहे हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या दोनों प्रोटॉन दोनों है ना, फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेमटोमीटर। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स जो है जीरो हो जाता है। द ग्राफ शोज द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस 0.8 फेमटोमीटर। 0.8 फेमटोमीटर, फेमटोमीटर को ही फर्मी भी बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। दिस मीन्स फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर द डिस्टेंस इज लार्जर देन द 0.8 फर्मी एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाई द डिस्टेंसेज लेस देन 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी से कम गैप करेंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। तो आपको जब ट्वेल्थ के एग्जाम में जरूरत पड़े कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इतना लिखे, एकदम कंप्लीट सफिशियंट आंसर है। चलिए पहले इसको नोट कर। आइए अब हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ते, खास करके जो हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए स्प्लिट करता है, टूटता है, ठीक ना। मास नंबर को कम करना चाहता है क्योंकि मास नंबर कम जब रहता है ना तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होता है। आपको याद होगा सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल न्यूक्लियाई Fe56 होता है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उसका जो है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई हो जाता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई अगर देखें तो। लेकिन यूरेनियम 238 अगर देखेंगे तो 7.6 के अप्रोक्स होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो उस केस में यूरेनियम 238 जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब वो जो टूटता है ना स्मॉलर साइज में, लाइटर न्यूक्लियाई में, उसी फेनोमिनन का नाम है न्यूक्लियर फिजन। ऐसे आप जानेंगे न्यूक्लियर फिजन भी दो तरह का होता है, एक तो स्पॉन्टेनियसली होते रहता है जिसको हम लोग आगे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, और एक जो है वो इंड्यूस कराया जाता है न्यूट्रॉन के हेल्प से, अल्फा पार्टिकल के हेल्प से। तो अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में आ गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल साइज। मतलब कि वो ब्रेक जब करता है तो ऐसा नहीं कि एक जो लाइटर न्यूक्लियाई बनता है एक से ज़्यादा, वो ऐसा नहीं होता कि एक जो है बहुत लाइटर और एक उसके कंपेरिजन में हैवी है, लगभग दोनों कंपेरेबल साइज का होता है। जैसे सैंपल के लिए यह है पेरेंट न्यूक्लियस यानी हेवी न्यूक्लियस, और ये ब्रेक किया दो लाइटर न्यूक्लियस में, तो ये जो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक करता है ना इसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जैसा कि आपको बतलाए कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस फिजन जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे, और एक हुआ इंड्यूस्ड फिजन जो इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाय अल्फा पार्टिकल के हेल्प से, ठीक ना। तो ये इंड्यूस्ड फिजन क्या है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, और ये देखते हैं कि एनर्जी कैसे रिलीज होता है, कितना रिलीज होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तब तक आप क्या करें, इसको पहले लिख लें। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये जो एग्जाम्पल है कुछ और नहीं बल्कि एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी को हम लोग लिखे हैं। जैसे देखो, ये यूरेनियम का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 235 है। याद रखेंगे ये जो आइसोटोप है ना वो स्टेबल है, लेकिन जब स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम न्यूक्लियस में इंड्यूस कराया गया, समझो इंटर्ड कराया गया कुछ एनर्जी के साथ, वो भी फास्ट न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन रहेगा ना तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस में इतना तेज़ी से इंटर किया और बाहर निकल गया, तो
स्लो न्यूट्रॉन को जो है न्यूक्लियस, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है यूरेनियम 235, उसके न्यूक्लियस में इंटर्ड कराए। इंटर्ड कराते इसका मास नंबर बढ़ गया, और मास नंबर जब बढ़ जाता है तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट जाता है। ये हम लोग देखे थे कि जब भी जो है आप मास नंबर 80 से आगे जाते हैं तो ऐसा होता है। तो या ये भी बोल सकते हो आयरन 56 ही मोस्ट स्टेबल होता है, और उसके बाद मास नंबर बढ़ते जाता है और वो जो है उतना ही अनस्टेबल, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटने लगता है। तो अब ये जो यूरेनियम 236 है वो स्प्लिट करता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, और वो पॉसिबिलिटी बहुत तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि बेरियम 144, क्रिप्टन 89 और 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से ये ब्रेक कर गया, ठीक ना, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार तीन ही न्यूट्रॉन हो। अगले एग्जांपल में दिखाया गया सेम वही स्लो न्यूट्रॉन को इंटर्ड कराया गया यूरेनियम 235 न्यूक्लियस में, मास नंबर बढ़ने के बाद ये अनस्टेबल हो गया, ये ब्रेक कर गया एंटीमनी, नियोबियम और 4 न्यूट्रॉन में। एक चीज़ देख लेना, जैसे मास नंबर जो है ना, जैसे 144, 89 और 3 न्यूट्रॉन, इस सब को ऐड करोगे ना तो 236 होना चाहिए, इसमें भी इन तीनों को ऐड करोगे तो 236 होना चाहिए। देख लेना एनसीईआरटी बुक में जो है ना, कोई कोई बुक में ये मिसप्रिंट भी है, नंबर अलग भी लिखा गया है। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है यूरेनियम 236 ब्रेक कर गया जेनन में या एस्ट्रॉन्सियम में, मास नंबर देखो इसका 140 है, इसका 94 है, 2 न्यूट्रॉन, यानी कि स्लो न्यूट्रॉन इंटर्ड किया यूरेनियम न्यूक्लियस में और उसको क्या कर दिया, समझो एक तरह से भगदड़ मचा दिया, उसको ब्रेक करने, मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटने लगा और वो जो है स्प्लिट करने लगा स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई में। तो एक एग्जांपल हम लोग देखें किसका, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब देखो इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होता है, उसी को क्यू वैल्यू बोलते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियस के केस में, ठीक ना, एक बार जो है जब वो स्प्लिट करता है, फिजन उसमें जब टेक प्लेस करता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं द एनर्जी रिलीज्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द क्यू वैल्यू, ठीक ना, द क्यू वैल्यू इन द फिजन, इन द फिजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक, किसका हम लोग बात किए, यूरेनियम का, यूरेनियम इज द ऑर्डर ऑफ कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजनिंग न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, है ना, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है जब फिजन करता है, ब्रेक करता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो आखिर एनर्जी रिलीज कैसे हुआ, इसको कैलकुलेट कैसे किए, याद करो कभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ पढ़े थे, और ये हम लोग जान रहे हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका ब्रेक करने का मेन रीजन यही होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है। तो वो ब्रेक करता है ना तो उससे उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाता है। और याद रखना जब भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करे ना, यानी एनर्जी रिलीज होगा। तो ठीक है, पहले तो ऐसा करें, इसको आप लिख लें
और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ और कितना एनर्जी रिलीज हुआ उसको काउंट कैसे करेंगे। नोट करें, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक हेवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 240 और वो जो है ना दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर गया, मान लो मास नंबर 120 120। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 240, ठीक ना। इट ब्रेक्स इंटू टू फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर ए इजकल टू 120। ठीक, देखो मास नंबर जब 240 होता है, जैसे यूरेनियम 238 का ही या 240 का ही, लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बोलेंगे क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसी को हम लोग ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, EBN लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर ए इजकल टू 240 इज अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही मास नंबर आप A20 के लिए देखेंगे, ठीक ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी इसके लिए EBN अगर देखें फॉर A इजकल टू 120 ये जो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ठीक ना, ये तो स्टेबल रेंज में हो गया, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ही ज़्यादा होता है न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब सोचो ये जो 240 है ये 120 के दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इजकल टू 240, ठीक ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई का बात नहीं कर रहे, अगर हम लोग पूरे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी अगर देखें ये 240 का तो कितना होगा। देखो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो जाहिर है उसमें अगर एनर्जी हम लोग देखेंगे तो 7.6 है एक न्यूक्लियॉन में इतना एनर्जी, तो 240 में कितना, तो 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 24 में 76 से मल्टीप्लाई करो 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक ना। अगर हम लोग टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स दो पार्ट मैंने ब्रेक किया है, ए इजकल टू 120 ए इजकल टू 120, ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसका अगर हम लोग देखें तो एक न्यूक्लियॉन का कितना है 8.5, और इसमें है तो 240, दो ठो ना 120 है, तो 240 से मल्टीप्लाई करो तो 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो जब ये मास नंबर 240 के साथ सिंगल न्यूक्लियस था तो बाइंडिंग एनर्जी इतना था, और जब ब्रेक कर गया बाइंडिंग एनर्जी इतना हुआ यानी दोनों का जो डिफरेंस हुआ उतना तो एनर्जी रिलीज हुआ ना, यानी दोनों का जो डिफरेंस अगर देखें यानी एनर्जी रिलीज्ड अगर हम लोग देखें, ऐसे भी जब भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करे मतलब समझो एनर्जी रिलीज हुआ, तो E2 माइनस E1 करें
तो बोलेंगे 2040 माइनस 1824, है ना। डिफरेंस करके देखो कितना आ रहा, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो तो ये एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से हुआ है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी है। एक न्यूक्लियस जब ब्रेक किया तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज हो गया। तो देखो एनर्जी जो रिलीज होता है ना डिसइंटीग्रेशन से, ब्रेक करने से, वो स्टार्ट में तो जो फ्रैगमेंट्स है, मतलब कि जो A20 दो पार्ट में बटा या कुछ न्यूट्रॉन रहता है, अभी हम लोग एग्जांपल में देखे थे ना कि यूरेनियम 230 है तो तीन पार्ट में बट गया, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में फिर न्यूट्रॉन में। तो स्टार्ट में जो एनर्जी है ना वो फ्रैगमेंट्स के काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है, या न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर, मतलब सारे के काइनेटिक, और फाइनली वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट। यानी आप बोल सकते हैं इस तरह से, द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक ना, डिसइंटीग्रेशन भी तो ब्रेक करना ही ना होगा। द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फिजन, ठीक ना, फिजन में जो है फर्स्ट एपियर्स, ठीक ना, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो फिजन में डेवलप होता है फर्स्ट एपियर्स एज काइनेटिक एनर्जी of fragments and neutrons, है ना। मतलब फ्यूजन में न्यूक्लियाई बना और न्यूट्रॉन बना, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ ना उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में मिलता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और यही एनर्जी जो है फाइनली किस में ट्रांसफर हो जाता है, हीट में। बोलेंगे फाइनली इट इज ट्रांसफर्ड, ठीक ना, ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग अपीयरिंग एज हीट, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी है इसी हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, या एटम बम वगैरह में भी जो है। अब सोच लो एक न्यूक्लियस के ब्रेक करने से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ है, और अगर मान लो 10 kg 20 kg 50 kg यूरेनियम हो, कितना सारा न्यूक्लियस है, और उसमें अगर डिसइंटीग्रेशन होने लगे, फिजन होने लगे, तो एक ह्यूज लार्ज अमाउंट में एनर्जी डेवलप होगा, है ना। और उसके हेल्प से चाहोगे तो शहर के शहर जो है पूरी तरह से तबाह हो सकता है, वेरी हाई टेम्परेचर तक चला जाएगा शहर, है ना। तो पहले तो आप इसको लिख लें फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर फिजन भी जो है ना वो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फिजन होता, उसके बारे में भी समझेंगे। फिलहाल आप ये जानेंगे कि न्यूक्लियर फिजन के हेल्प से, आप सुनते होंगे ना कि न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया गया, तो आप लिख सकते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वही जो प्लांट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर का, मतलब कि जिसके हेल्प से हम लोग हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसी को न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक ना, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक ना, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, ये न्यूक्लियर फिजन होता है। और बोलेंगे ए लार्ज
अमाउंट ऑफ एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एन एटम बम comes from uncontrolled uncontrolled nuclear fission. हाँ ध्यान से देखें क्या बोले कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराते हैं तो उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कुछ और नहीं है न्यूक्लियर फिजन है ना. वहाँ पे यूरेनियम को हम लोग ब्रेक कराते हैं और उससे एनर्जी जो रिलीज होता है आगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा. फिलहाल आप यही जाने द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर फिजन. ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एन एटम बम कम्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन. तो ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या है, अब तो दिमाग में ये आएगा. तो चलिए उसको बतलाएंगे. लेकिन आप ये जाने कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि न्यूक्लियर फिजन क्या है तो अब ऐसा थोड़े ना है कि हम 10 पेज उस पर लिखने जाएंगे न्यूक्लियर फिजन क्या है. तो बस बोलेंगे यही कि भाई जब कोई हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट करता है तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं. और जो एग्जांपल आपको बतलाए 2-3 एग्जांपल उस एग्जांपल को लिखेंगे. अभी जैसा कि आपको समझाए कि एक जो है न्यूक्लियस का फिजन जो होता है, अगर यूरेनियम का बात करें पर्टिकुलर यूरेनियम के लिए, तो एक न्यूक्लियस के फिजन में अप्रोक्सीमेटली जो है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स एनर्जी रिलीज होता है ना. और बाद में जो है हम लोग न्यूक्लियर फिजन के ही हेल्प से न्यूक्लियर प्लांट बैठाते हैं और जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी करते हैं. अभी इंडिया में तो उतना ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं है वैसा, लेकिन धीरे धीरे जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है बैठते जा रहा और उसके हेल्प से जो है बहुत आसानी से एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ठीक है इसको लिख लें पहले. हाँ जी, तो अब जो है हम लोग देखते हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन. और चेन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना दो तरह का होता है, एक बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा होगा कंट्रोल्ड रिएक्शन. तो देखो अनकंट्रोल्ड जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या है, पहले समझो इसको. जैसे यूरेनियम 235 अभी आप पढ़े थे, न्यूट्रॉन जो है स्लोली आकर के इसमें एंटर किया, ठीक है, और ये ब्रेक कर गया. तो आप देखे थे एक एग्जांपल में हम लोग बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन में ब्रेक कर गया. अब चलो ये 3 न्यूट्रॉन में ब्रेक कर गया. अब ये जो न्यूट्रॉन निकला वो दूसरा यूरेनियम न्यूक्लियस से जो है स्ट्राइक किया, ये भी मान लो स्ट्राइक किया, ये भी स्ट्राइक किया. ऐसा हो भी सकता है कोई स्ट्राइक ना करे, वो मटेरियल से बाहर चला जाए. अब सोचो अब क्या होगा कि ये जो यूरेनियम 235 है उसके न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन जाकर के स्ट्राइक किया तो फिर वही केस हो गया. इससे फिर जो है ये भी अपने फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर गया, लाइटर न्यूक्लियाई मान लो बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन में ब्रेक कर गया. अब यहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकला, सोचो अब ये जो है फिर दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस है ना, यूरेनियम न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया और फिर इससे जो है 3 न्यूट्रॉन निकला. और इस तरह से सोचो एनर्जी मल्टीप्लाई होते जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा. देख रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं कि जितना भी न्यूट्रॉन निकले वो सब के सब से आपको जो है अगला न्यूक्लियर मतलब कि फ्यूजन हो ही.
कुछ ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन यहाँ से निकला और मटेरियल से ही बाहर चला गया, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहा तो मटेरियल को क्रॉस कर गया, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ज़्यादातर जो न्यूट्रॉन है वो फिर से इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन करना शुरू कर देता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो मटेरियल रखा हुआ है, मान लो यूरेनियम है 10 kg है, 20 kg है, उसको ब्लास्ट करने में पूरी तरह से माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड लगता है, ना के बराबर टाइम लगता है। तो देखो, अगर मान लो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना हो तो मेन पॉइंट क्या है, इसको लिख दिए हैं कि देखो, व्हेन वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन, मतलब एक फिजन हुआ, जैसे ये आके टकराया, एक फिजन हुआ और अब ये जो है तीनों के साथ तीन फिजन कर दिया, है ना, मतलब एक फिजन हुआ, तीन न्यूट्रॉन निकला और ये तीन फिजन कर दिया, फिर इससे जो है तीन न्यूट्रॉन निकला, ये भी तीन फिजन कर दिया, तो इस तरह से एक फिजन जो है एक से ज़्यादा फिजन का कॉज बन रहा है ना। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक ना। ये अब फिर ये तीन जो है फिर तीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक जो है वो तीन में मल्टीप्लाई होते जाएगा, है कि नहीं। तो लिखा हुआ है एनर्जी मल्टीप्लाइज इन माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ही एनर्जी लार्ज अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ फिजन्स टेकिंग प्लेस एट ईच सक्सेसिव स्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट, बहुत फास्ट रेट से जो है ना हर स्टेप में फिजन होने लगता है, द रिएक्शन विल एक्सलरेट एट सच रैपिड रेट दैट द होल मटेरियल विल एक्सप्लोड विद इन अ माइक्रो सेकेंड, पूरा मटेरियल ही माइक्रो सेकेंड में एक्सप्लोड कर जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है, ये तो आप समझ गए। अब देखो, कंट्रोल्ड रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंट्रोल्ड रिएक्शन में कुछ मेथड हम लोग ऐसा अपनाते हैं, जो आप पावर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो न्यूक्लियर प्लांट पर हम लोग अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं ना कर देंगे, तब तो ब्लास्टिंग हो जाएगा, तो वहाँ कंट्रोल्ड रिएक्शन किया जाता है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये तीन न्यूट्रॉन निकला, तो ऐसा मेथड अपनाएंगे उसमें से एक ही न्यूट्रॉन जो है अगला फिजन करे, फिर यहाँ से तीन निकला तो एक ही जो न्यूट्रॉन है वो अगला फिजन में हिस्सा ले, मतलब कि बाकी के न्यूट्रॉन को जिस तरह से भी उसको रोक करके रखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक ना, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। तो पहले आप ये अनकंट्रोल का डिफिनेशन भी लिख लें, इस तरह से डायग्राम भी बना देंगे, एकदम ऐसे आप लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। आइए अब हम लोग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को देखते हैं। जैसा कि बतलाए हैं, नाम भी है कंट्रोल्ड, मतलब एनर्जी मल्टीप्लाईज होना नहीं चाहिए, और ख़ास करके न्यूक्लियर प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ जो है हम लोग कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन ही करते हैं। उसमें करना क्या है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235, अब चलिए न्यूट्रॉन को आप इंटर कराए, और अब जो है सपोज कीजिए इससे तीन न्यूट्रॉन निकला, अब आप इस दो न्यूट्रॉन को चाहे जिस मेथड से भी रोके, आगे न्यूक्लियर रिएक्टर में समझेंगे, रोक दिए, है ना, मान लो दो को रोक दिए, अब ये जो है आ करके एक दूसरा न्यूक्लियस, मतलब इन दोनों को जो है ना अगला न्यूक्लियर फिजन में हिस्सा नहीं लेने दिए, मतलब कि ये दोनों न्यूट्रॉन रुक गया, मटेरियल से आउट हुआ या जैसे भी, अब जो है अगला फिर यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराया, फिर इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकला, दो को रोक दिए, फिर एक को अलाउ किए, इस तरह से एनर्जी जो रिलीज होगा वो कांस्टेंट रेट में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट रेट में एनर्जी रिलीज होगा। तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए इसके डिफिनेशन में लिख लिए, व्हेन वन फिजन कॉजेज ओनली वन फिजन, देखो एक फिजन हुआ तो ये दोनों कुछ नहीं किया, फिर अगला भी एक ही फिजन हुआ, फिर अगला भी एक ही फिजन हुआ, मल्टीप्लाइड होते नहीं जा रहा, ठीक है।
अब जो है एनर्जी इज लिबरेटेड एट ए कॉन्स्टेंट रेट, देयरफॉर इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना, इसमें कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी रिलीज होता है, जबकि अनकंट्रोल में क्या होता था, एनर्जी मल्टीप्लाई होते जा रहा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतते जा रहा है एनर्जी एकदम फास्ट रेट से निकलते जा रहा है, रैपिड रेट से निकलता था। तो बोलेंगे क्या कि इसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जाम में अगर मान लो आ गया कि कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, बस आप डिफिनेशन लिखे, डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक ठीक है ना। तो हाँ एक मिनट देखना, इसमें जो है अन यहाँ लिखा गया ना, चलो चलो कंट्रोल्ड, व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज ओनली वन फ्यूजन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूजन के बारे में, फिर जो है लास्ट में रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। वैसे ये जाने इस बार सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी को सीबीएसई बोर्ड में हटाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो सब कुछ को पढ़ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।